रायगढ़ से है। रायगढ़ के छातामुड़ा चौक में आयोजित हेलमेट वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी शिरकत की। उनके अलावा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना लोगों के लिए जान जाने का बड़ा कारण है, इसीलिए हेलमेट का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बता दें कि रायगढ़ में यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन चालकों का चालान किया जा रहा है। लोगों ने ये कार्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किया है कि हमारे जिले में बिना हेलमेट के कारण काफी डेथ हो रही है, तो ये एक जागरूकता कार्यक्रम है जिससे हम सभी लोगों को जागरूक कर हेलमेट पहन के निकलो ताकि आगे से कहीं आपके साथ एक्सीडेंट ना हो। आगे से कहीं आपके साथ अगर एक्सीडेंट होता भी है तो गंभीर चोट ना लगे। बाइक सवार में जब भी एक्सीडेंट होता है उनकी डेथ तभी होती है जब सर पे गंभीर चोट लगती है। बाकी एक्सीडेंट पे इंजरी हो सकती है पाँव में हाथ में, लेकिन डेथ नहीं होगी अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है। अनाग क्षेत्र में ये कार्यक्रम करेंगे और 5,000 लोगों को हेलमेट वितरण करके जागरूकता फैलाएंगे। सर, जैसे जैसे विकास हो रहा है, सड़कें हेवी व्हीकल्स पूरे देश में जब संचालित हो रही है, विशेषकर इंडस्ट्रियल एरिया और हर तरफ के एरिया में आजकल हेलमेट न पहनने के कारण बहुत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है। इसी के मद्देनजर रायगढ़ पुलिस के द्वारा एसपी साहब की अगुवाई में बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है कि जो हेलमेट नहीं पहना रहता उसको 500 रुपये का फाइन किया जाता है, बट उससे ज़्यादा राशि का हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। इसमें अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं का की मदद भी ली जा रही है। सबको मोटिवेट करते हुए हेलमेट प्रदान किया गया। रायगढ़ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत जो भी दोपहिया वाहन बिना हेलमेट के मिलता है उसका 500 रुपये का चालान काटा जाता है। साथ ही में उसकी सुरक्षा के लिए उसको कोई चोट ना लगे इसके लिए उसको फ्री में हेलमेट बांटा जा रहा है।